अगर मुझे मरना ही है अगर मुझे मरना ही है तो तुम्हें जीना ही होगा मेरी कहानी बताने के लिए मेरी चीजें बेचने के लिए दिस इज लूज़ मुझे लगता है कि जो एक बुनियादी नीति है मोदी सरकार की के पक्ष में उस नीति को शायद अभी भी मोदी सरकार नहीं बदलना चाहती अगर मुझे मरना ही है तो उसके लिए उम्मीद बनाए रखना उम्मीद की कहानी उसकी जिंदगी में बचाए रखना। नमस्कार द वायर में आपका स्वागत है मैं हूं आरफा खानम शेरवानी आप में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी बिल्कुल मामूल पर चल रही होगी सामान्य जिंदगी चल रही होगी बच्चे स्कूल जा रहे हैं आप दफ्तर जा रहे हैं या काम पे जा रहे हैं दिल्ली में बहुत सारी शादियां हो रही हैं साल का आखिर हो रहा है दिसंबर का अब तीसरा हफ़्ता शुरू होने वाला है लोग छुट्टियों के लिए निकल जाएंगे गोवा घूमने जाएंगे और अलग अलग जगहों पर जाएंगे लोग विदेश में भी जाएंगे एक किस तरह के लोग हैं दूसरे उस तरह के लोग हैं जो परेशान हैं कि महंगाई है बेरोजगारी है खुशी नहीं मिल पा रही है विकास नहीं हो पा रहा है लेकिन एक तरफ दुनिया में एक ऐसा कोना भी है जिसकी आबादी का पूरा का पूरा हिस्सा चारों तरफ से दीवारें लगी हुई हैं उस दीवारों के अंदर वो हिस्सा कैद है एक तरफ समंदर और दूसरी तरफ दीवार मैं बात कर रही हूँ फ़िलिस्तीन की एक दीवार और दूसरी तरफ समंदर के बीच में उस आबादी पर लगातार बमबारी हो रही है पिछले दो महीने से ज्यादा वहाँ भी बिल्कुल आप ही के जैसे परिवार हैं आप ही के जैसे माँ बाप हैं आप ही के जैसे बच्चे हैं आप ही के जैसे लोग हैं हाड़ मास के लोग हैं वो ऐसे ही सांस लेते हैं ऐसे ही मुस्कुराते हैं और ऐसे ही रोते भी हैं लेकिन पूरी दुनिया के सामने इक्कीसवीं सदी में दो में बर्बरता का ये नंगा नाच ये हम देख रहे हैं अपने सामने जहाँ फ़िलिस्तीनी आबादी के अट्ठारह हज़ार लोगों की इजरायली फोर्सेस के जरिए अब तक हत्या की जा चुकी है इनमें जिस तरह की तस्वीरें निकलकर बाहर लगातार आती रही हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों को उनकी माएँ उनके बाप दफना रहे हैं खून में लतपत उनके शरीर को देख रहे हैं उनको दुआएं दे रहे हैं कि जाके ऊपर खुदा से ये सब कह देना अल्लाह से ये सब कह देना कि यहाँ कितना जुल्म हो रहा है दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बिल्ली ज़ख़्मी हो रही है कुत्ता ज़ख्मी हो रहा है इंसानों को छोड़ लोग उनको उनकी भी परवाह कर रहे हैं और उन जख्मी कुत्ते और बिल्लियों की खिदमत कर रहे हैं अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं चर्चों पर हमले हो रहे हैं मस्जिदों में हमले हो रहे हैं जहां लोगों ने बमबारी से शरण ली हुई है वहां पर भी हमले हो रहे हैं दो महीने से ज़्यादा गुजर जाने के बाद अब यूनाइटेड नेशन में संयुक्त राष्ट्र में एक रेजोल्यूशन पास किया गया है और बड़ी ही हैरानी और ख़ुशी की बात यह है कि इस रेजोल्यूशन जो फ़ौर सीज़ फायर की बात करता है युद्धबंदी की बात करता है भारत ने इस पर दस्तखत किए हैं पूरी दुनिया का करीब 80 फीसद हिस्सा ऐसा है जिसने इस पर दस्तखत किए हैं उनमें भारत भी एक है पिछली बार आपको याद होगा दो महीने पहले की बात है ये जब भारत ने इस पर अपने को अनुपस्थित कर दिया था गैर हाजिर जब सीज़ फायर की बात हो रही थी पूरे भारत में इसको लेकर बहुत निराशा थी कि भारत एक देश के तौर पर जो हमेशा मानवीय मूल्यों की बात करता रहा जो हमेशा टू नेशन की की बात करता रहा टू नेशन का जो सिद्धांत है यानी कि इसराइल को भी हक है होने का और फिलिस्तीन को भी यानी फिलिस्तीन के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले उन देशों में शामिल था और एक ज़माना ऐसा था जब भारत फिलिस्तीन के अरफात उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और फिलिस्तीन के बहुत करीबी जो दोस्त हैं उन दोस्तों में भारत का शुमार होता था इस रेजोल्यूशन की मैं आपको बात बताती हूं जिसमें दुनिया का 80% फीसद हिस्सा जिसने वोट किया है कि फौरन युद्धबंदी होनी चाहिए पिछले अक्टूबर की यह बात है 45 ऐसे देश थे जो अनुपस्थित रहे थे गैर हाजिर रहे थे उनमें भारत भी एक था जिन्होंने उन लोगों में जो वो रेजोल्यूशन जिसने ये कहा था कि फ़ौर युद्धबंदी होनी चाहिए जो हिंसा हो रही है गज़ा में खासकर अब दो महीने के बाद भारत ने अपना स्टैंड बदला है और अभी फ़िलहाल ये दस्तखत कर दिए हैं लोग अलग अलग तरीके से पूरी दुनिया में फलस्तीन के मुद्दे पर ध्यान लाने की वापस कोशिश करें क्योंकि आप जानते हैं जो हमारी हेडलाइंस हैं जो सुर्खियां हैं खबरों की उनका मिजाज भी ऐसा होता है कि अगर एक दिन हिंसा खबर है दूसरे दिन है तीसरे दिन है एक हफ्ते है दस दिन है लेकिन दो तीन महीने तक अगर हर रोज़ दर्जनों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं तो आखिर जो खबर नवीस हैं वो कब तक इन खबरों को दिखाएंगे और इसीलिए वो आगे बढ़ जाते हैं आप अपना अखबार उठाइए आज का और देखिए मुझे बताइए कि क्या आप इस सुर्खियों में ये पा रहे हैं कि आज के दिन भी दर्जनों लोगों की हत्या हुई है बीच में सात दिनों की एक युद्धबंदी हुई थी एक तरह का पॉज हुआ था युद्धबंदी भी नहीं कहूँगी एक तरह की रुकावट एक कौमा हुआ था एक कौमा लगाया गया था इस युद्ध में और उसके बाद फिर से अब दोबारा बमबारी और हमला शुरू कर दिया है इसराइल ने मैं आपको बता रही थी कैसे अलग अलग तरीके से लोग ध्यान अपना लाने की कोशिश कर रहे हैं 11 दिसंबर को ग्लोबल स्ट्राइक हुई थी यानी कि लोग स्कूल कॉलेज नहीं गए दफ्तर नहीं गए अपने हर तरह का काम रोक दिया उन लोगों ने जो ये समझते हैं कि फिलिस्तीन में मासूम नागरिकों के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए सात अक्टूबर की ये घटना जब हमास ने हमला किया था इसराइल के ऊपर वहाँ बारह सौ से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी गई थी कई सौ लोगों को बंदी भी बनाया गया था जाहिर है अपने आप में ये एक आतंकवादी घटना थी लेकिन उसके बाद से जिस तरह की बर्बरता के साथ और जितनी ज़्यादा शक्ति के साथ जितनी क्रूरता के साथ इसराइल ने इस पूरे घटनाक्रम को तो अंजाम दिया है पूरे इतिहास में इसका नाम दर्ज है और इसके अलावा इस जो ग्लोबल स्ट्राइक थी इसके अलावा लोग लगातार जो बड़े ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो कॉरपोरेशन हैं जो इसराइल को सपोर्ट करती हैं उनको बॉयकॉट करने का काम कर रहे हैं जैसे स्टार को काफ़ी नुकसान पहुँचा है इसके अलावा कई कंपनियाँ हैं ज़ारा का नाम भी फिलहाल पिछले दिनों आ रहा है उनकी एक एड कैंपेन को लेकर कि जिसकी वजह से लोग उनका भी बॉयकॉट कर रहे हैं तो जो भी कुछ आम लोग वो कर सकते हैं जो इंसाफ पसंद लोग हैं जो समझते हैं कि किसी भी मासूम नागरिक को मारा जाना ना जायज़ है तो इस इस पर मैं वापस आती हुई एक वोट फेवर में पड़े हैं इस रेजोल्यूशन में यानी जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं उन्होंने वोट दिया है इस फेवर में और कहा गया है कि सुरक्षा होनी चाहिए नागरिकों की और जो कानूनी और मानवीय जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना चाहिए और जो टेंथ एमरजेंसी स्पेशल सेशन है एमरजेंसी उस दौरान यह हुआ आ, स्पेशल सेशन ये बुलाया गया था इलीगल इसराइली एक्शन इन ऑक्यूपाइड ईस्ट जेरूसलम एंड रेस्ट ऑफ द आक्यूपाइड पैलेटीनियन टेरिटरी के नाम से न्यूयॉर्क में ही हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली लास्ट अक्टूबर का मैंने आपको जिक्र बताया कि किस तरीके से वहाँ पर लास्ट अक्टूबर में जब रेज़ोल्यूशन लाया गया था तो 45 ऐसे देश थे जिन्होंने एबस्टें था और आ, इसके अलावा जो एक देश ऐसे थे जिन्होंने फेवर में वोट किया था और चौदह ऐसे देश थे जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ किया था अब भी जो ख़िलाफ़ जाने वाले लोगों की तादाद है वो दस है और इन दस देशों में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी आप सोचिए तमाम तरह की उदारवादी विचारधारा तमाम तरह के मानवाधिकार तमाम तरह की, की लोकतांत्रिक बातें करने वाला ये देश कितनी बेशर्मी के साथ अब इसमें जहाँ पर अट्ठारह लोग मारे गए हों इस देश ने अभी भी इसका इसको एब्सटेन किया यानी इस अगेंस्ट किया एप्सटेन भी नहीं किया इसके ख़िलाफ़ वोट डाला यानी वो नहीं चाहता कि ये युद्धबंदी हो और साफ तौर पे जब भी आप बात कीजिए जो वहाँ के बुद्धिजीवी हैं या वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं या सरकार से जुड़े हुए लोग हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं हमास का खात्मा बहुत ज़रूरी है हमास जब तक रहेगा तब तक जो है वो इंसाफ नहीं होगा शांति स्थापित नहीं होगी इसराइल तब तक सुरक्षित नहीं होगा उनसे कोई पूछे ज़रा कि ये अट्ठारह जो लोग मारे जा रहे हैं जो निर्दोष नागरिक माने जा रहे हैं क्या ये हमास के लोग हैं क्या वाकई ऐसी कोई दलील दी जा सकती है कि पूरी की पूरी पश्चिमी दुनिया आप देखें तो किस कदर बेहसी के साथ लोगों को आम नागरिकों को एक ट्रैप्ड पॉपुलेशन को एक तरफ समंदर दूसरी तरफ दीवार उनको मरते हुए पूरे तरीके से देख रही है और भारत के इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट करने को किस तरीके से देखा जाए राजनीतिक रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है और घरेलू राजनीति है दोनों के मद्देनजर कैसे देखा जाए इसके लिए मैंने बातचीत की द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ भद्राचंद से मोदी सरकार का यूएन जनरल असेंबली में सीज फायर के पक्ष में वोट जो है आ, शायद ही हम कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए का मिसाल है एक महीने पहले जब यूएन जनरल असेंबली ने प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की युद्ध विराम के पक्ष में तो भारत सरकार मोदी सरकार ने आ, उसके पक्ष में वोट देने से इंकार किया जो आ, लीगल लैंग्वेज में एब्सटेंशन बोला जाता है आ, भारत सरकार ने वहां उस प्रस्ताव में एब्सटेन किया और जब पूछा गया कि भाई इतनी भारी तादाद में बेगुनाह लोग पट्टी में मारे जा रहे हैं और प्रस्ताव में सिर्फ यही मांग की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जो है उस खत्ते के जो देश हैं वो अपना जो है पॉलिसी चलाएं तो उस, बार, उस वक्त जो है भारत सरकार की ओर से जो जवाब आया वो ये था कि हमने इस प्रस्ताव को इसीलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि प्रस्ताव में हमास के खिलाफ कोई ऐसा सख्त जो है कॉन्डमनेशन का लैंग्वेज हमको नहीं मिला जो हम चाहते थे आ, अजीब बात यह है कि ये जो लेटेस्ट रेजोल्यूशन जो यूएन जनरल असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया और जो पारित हुआ भारत के समर्थन के साथ ठीक पिछले प्रस्ताव की तरह इस प्रस्ताव में भी हमास के बारे में वो बातें नहीं रखी गई जो आ, भारत ने कहा आ, होनी चाहिए लेकिन इसके बावजूद आ, भारत सरकार ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला तो ये मुझे लगता है कि कही न कहीं ना कहीं भारत के जो आ, लोगों की जो सेंटिमेंट है आखिरकार मोदी सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ी 18,000 से आ, ज्यादा गजा पट्टी में लोगों की हत्या हुई है इसराइली बमबारी में और इतना सबूत अब निकल के आया है कि इसराइल ने जो वॉर क्राइम्स बहुत भारी मात्रा में वहां पे कमिट किया है स्कूलों पे बमबारी अस्पतालों पे बमबारी और शायद 18,000 में से कहा जा रहा है कि तकरीबन आधे जो जो मृतक हैं वो बच्चे हैं औरतें हैं तो आ, इस सिचुएशन में शायद मोदी सरकार को लगा कि अगर हम दोबारा इस प्रस्ताव के पक्ष में मैदान में नहीं उतरते तो आ, भारत सरकार और भारत की जो छवि है मोदी सरकार की जो छवि है ये आ, भारत के लोगों की नजरों में और दुनिया के लोगों की नज़रों में बहुत ज्यादा गिर जाएगी तो मुझे लगता है कि शायद यही फैसला था लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार को आ, एक जवाबदेही या एक एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि भाई आप अपने आप को विश्वगुरु बोलते हैं मोदी साहब कई बार कह चुके हैं कि ये, ये युद्ध का आ, का जो है काल नहीं है ये जंग का अहद नहीं है यूक्रेन के हवाले से उन्होंने ये बयान दिया लेकिन इसराइल फिलिस्तीन के हवाले के संदर्भ में आ, क्यों मोदी साहब चुप बैठे हैं मोदी साहब क्यों नहीं अपने दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू को यह सलाह क्यों नहीं ये सलाह देते कि भाई ये जंग का वक्त नहीं है जंग का अहद नहीं है आप आ, जो बेकसूर लोगों की भारी मात्रा में हत्या कर रहे हैं इस पर आप रोक लगाइए फौरी तौर पर और एक सीजफायर घोषित करें तो आज भी मुझे लगता है कि शायद कूटनीतिक और सियासी वजहों के, के चलते मोदी सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एक बुनियादी नीति है मोदी सरकार की इसराइल के पक्ष में उस नीति को शायद अभी भी मोदी सरकार नहीं बदलना चाहती तो इस पूरे मामले पे देखा जाए तो किस तरीके से पत्रकारों को भी हम देखें तो 50 से ज्यादा पत्रकार हर रोज जो ट्विटर हैंडल्स हैं पत्रकारों के वो कहते हैं आज मैं ज़िंदा हूँ कई इस तरह के पत्रकार हैं जो रोज़ अपनी अटेंडेंस लगाते हैं रोज़ हाजिरी लगाते हैं कि आज मैं ज़िंदा हूँ कल फिर ट्वीट करूंगा अगर ज़िंदा रहा आज मैं ज़िंदा हूँ फिर ट्वीट करूंगा अगर कल जिंदा रहा इसके अलावा ये जमीरियट ह्यूमैनिटेरियन फायर है इसकी ये बात कर रहा है और इस पूरे मामले का अगर मानवीय पहलू देखने की कोशिश की जाए और आपको इस बात का मैं अंदाज़ा बताऊं कि आखिर एक फ़िलिस्तीन में रहने वाले नागरिक का जीवन किस तरीक़े का है अगर एक बानगी उसको आपको दूँ हज़ारों केसेज हैं आपके सामने मैं पेश कर सकती हूँ और मुझे उम्मीद है इस बात की कि आप में से बहुत सारे लोग जो फ़िलिस्तीन के इस पूरे मामले को फॉलो कर रहे हैं वो समझते हैं कि किस तरह से ख़बरों का जो पूरा साइकिल है वो जा रहा है लेकिन एक अगर केस मैं आपको बताऊँ तो इसमें रिफ़ात अलीर नाम के ये व्यक्ति हैं जो कि एक कवि रहे एक टीचर रहे उस व्यक्ति की ये वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहती हूँ उसका तर्जा भी हम आपको दे रहे हैं इसमें हिंदी में ये सिर्फ इस छोटी सी एक डेढ़ मिनट की क्लिप से आपको ये अंदाज़ा होगा कि आखिर फिलिस्तीन में इस वक्त हालात किस तरीके के हैं ये व्यक्ति जुड़ा हुआ था इंटरनेट के ज़रिए इस पैनल डिस्कशन में वो अपनी आप बीती सुना रहा था कि देखिए मेरे साथ ये हो रहा है पीछे से बमबारी हो रही है जब वो व्यक्ति इंटरनेट के जरिए जुड़ा हुआ है ऐसे ही इंटरनेट जैसे मैं आप जुड़े हुए हैं आप मेरा एक कार्यक्रम इंटरनेट के जरिए देख रहे हैं ऐसे ही ये व्यक्ति जुड़ा हुआ था रफात अल थार नाम का ये व्यक्ति और इस व्यक्ति का आप ये देखिए इस पॉइंट का जब ये वीडियो के जरिए जुड़े हुए तो कैसे पीछे बमबारी हो रही थी उन्होंने क्या कहा आइए सुन लेते हैं uh, What should we do? like drown, like commit mass suicide? Is this what Israel wants? And we're not going to do that. And I was telling some somebody, some friend the other day that I am an academic. i probably the toughest thing I have at, at home is an expo marker. But if the Israelis invade, if the us, has charged us open door to door to massacre us. फात अल ने एक नवंबर को एक कविता अपने ट्विटर पर डाली थी और ऐसा लगता है की वो एक ऐसी एंथम बन गई है, एक ऐसा गीत जो हर दिल में गुनगुना रहा है हर जबान पर आ रहा है ऐसा लगता है कि ऐसी भविष्यवाणी की और इतनी ज्यादा दर्दनाक भविष्यवाणी अपनी ही मौत की कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है अभी ये कविता आप सुनेंगे और ये ब्राइन स्कॉटिश एक्टर हैं उन्होंने इनकी कविता को पढ़ा जो रिफात अलारीर हैं पहले आप उसे अंग्रेजी में सुनिए और फिर मैं आपको हिंदी में भी सुनाऊंगी 2023 If I must die, you must live to tell my story, to sell my things, to buy a piece of cloth and some strings. Make it white with a long tail, so that a child somewhere in Gaza, while looking heaven in the eye, awaiting his dad who left in a blaze and bid no one farewell, not even to his flesh, not even to himself, seize the kite my kite you made flying up above and thinks for a moment an angel is there bringing back love if i must die let it bring hope let it be a tale agar mujhe marna hi hai agar mujhe hoga मेरी कहानी बताने के लिए मेरी चीज़ें बेचने के लिए कुछ धागे और कपड़े का एक टुकड़ा ख़रीदने के लिए ताकि गज़ा के किसी इलाके में बसा कोई बच्चा अपनी आँखों में जन्नत को देखते हुए आग में जल कर खाक हो गए अपने उस पिता का इंतज़ार करते हुए जिसने अपनी देह को भी नहीं ख़ुद को भी नहीं किसी को अलविदा नहीं कहा आसमान में उड़ती हुई उस पतंग को देख सके जिसको तुमने मेरे लिए बनाया था आसमान में उड़ती हुई उस पतंग को देख सके जिसको तुमने मेरे लिए बनाया था और एक पल के लिए सोचे कि कोई वहाँ पर फरिश्ता होगा जो उसके लिए मोहब्बत लाएगा और एक पल के लिए सोचे कि कोई वहाँ पर फरिश्ता होगा जो उसके लिए मोहब्बत लाएगा अगर मुझे मरना ही है तो उसके लिए उम्मीद बनाए रखना उम्मीद की कहानी उसकी ज़िंदगी में बचाए रखना दवायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।